कोर्ट में राजीनामा के बाद महिला के साथ की मारपीट। शिवपुरी जिले के पोहरी में रहने वाली महिला आरती जैन निवासी पोहरी ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी शादी कोलारस में हुई थी, जहां पति द्वारा उसे दहेज की मांग की जा रही थी, जिसका मामला न्यायालय में चल रहा, जहां पति द्वारा राजीनामा करके महिला को फिर से अपने साथ ले गया, जहां पति द्वारा उसकी मारपीट की गई, जिसकी शिकायत उसने थाने सहित SP कार्यालय में दर्ज कराई है। साथ ही पति पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मैं पूछ रहा हूँ, आप बताना है क्या नाम है आपका, कहाँ रहती हैं आप, क्या समस्या है? मेरी है ना, मेरे पति मुझे दारानों के केस में ले गए थे एक खंडर मकान में, तो वहाँ पर है ना, मुझे वहाँ पर उन्हें ना तो लाइट थी उसमें, और पूरा खंडर था बहुत गंदगी पड़ी हुई थी, और वहाँ पर ना तो कोई खाने की चीज़ रखी थी उनने, और ना घर गृहस्थी का कोई सामान रखा था। तो उसके थोड़ी देर बाद मेरे ससुर और मेरे देवर आ गए थे, मैंने ये बोला था उनसे कि है ना इसमें बिल्कुल अंधेरा डला है और लाइट भी नहीं है, तो मैं इसमें कैसे रहूँगी। तो उन्होंने ना ऐसा बोला था कि मैंने बस इतना बोला था तो वो मुझसे लड़ने लगे, मुझे मारने लगे थे वहाँ पर मेरे पति देवर। विवाद के कारण क्या है? क्या था कारण विवाद का? विवाद का कारण क्या? आपके पति आपको क्यों नहीं रखना चाहते? सर वो पैसे मांगते थे मुझसे, 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, बोल रहे थे कि 5 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल ले आओ तभी हम तुमको अच्छे से रखेंगे। आप क्या चाहती हो? आप सर मैं उनकी अपनी न्याय चाहती हूँ सर, मैं रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ, मेरी रिपोर्ट नहीं लिख रही है, मैं 2 बार कोलर थाने पर चली गई सर, फिर भी मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी है वहाँ पर, और वहाँ पर पुलिस वालों ने मैडम ने मुझसे उल्टा बोला कि पहले गई थी तो मुझसे पागल बोला था और मुझे उल्टा सीधा बोला था और वहाँ से भगा दिया था। अब मैं कल दोबारा गई थी, मुझे बुलाया था तो मैं दोबारा गई थी, तो वहाँ पर भी मेरी रिपोर्ट भी नहीं लिखी है उनने सही से, और सर मुझसे उल्टा सीधा बोला और बोला कि अगर तू बोलेगी रिपोर्ट लिखवाने की तो हम तुझे अंदर और कर देंगे। आपने पति पे एक और रिपोर्ट लगाया है कि पति आपके किसी और अन्य लड़कियों से संबंध है, वो क्या मामला है? सर उनका तो वो तो नई नई लड़कियों यूज करते हैं सर और छोड़ देते हैं, उनका तो यही काम है। आपको पता कब चला इस बात का, कैसे चला? सर मुझे, मैं यहाँ पे फौरी आई थी दूसरी बार अपने मायके आई थी, तो मैंने उनकी जानकारी ली थी, वो मुझे, मैं कॉल करती थी उनको तो वो मेरा कॉल नहीं उठाते थे, तो मैं कॉल करती बिल्कुल मेरा कॉल नहीं उठाते, तो इस चक्कर में मैंने बहुत सोचा, तो फिर मैंने सोचा तो फिर उनके बारे में जानकारी जुटाई उनके दोस्तों से, और जितना मुझे पता चला उनसे मैंने जानकारी जुटाई, तो मुझसे सब जगह से ही पता चला कि वो तो है ना बहुत ही कई लड़कियों से संबंध रखती हैं और लड़कियों के पास जाते हैं और नशा वगैरह भी करते हैं। तो शादी से पहले इस चीज़ के बाद का पता नहीं चला था आपको? नहीं, शादी के बाद 15 दिन के अंदर ही हमारी शादी हो गई थी। ऐसे क्या जल्दी हुई थी शादी में, क्या हुआ था? सर हमारी 1 महीने की शादी बन रही थी, तो उनने ना ये बोला कि यार हमें फिर लॉज नहीं मिलेगा और हम नहीं करेंगे फिर, लेकिन मेरे घर वाले तो 1 महीने की बोल रहे थे, और मैंने भी बोला था कि हम तो 1 महीने बाद करेंगे, लेकिन उनने ना ये बोला था कि हम तो अभी करेंगे फिर हमें लॉज नहीं मिलेगी। कितने भाई बहन हो आप? सर हम 3 भाई।